मेरा नाम सुशील सिंह है, मैंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी किया है, डायरेक्शन भी किया है, मेरे साथ में ध्रुव चंद और शक्ति, हम तीनों लोगों ने मिलकर इसको किया है। और ये बहुत पहले है क्योंकि लखनऊ में, हम लोग लखनऊ से हैं, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारे दिमाग में ऐसा आया कि जो आजकल कंडीशंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो अगर ऐसी ही रहीं तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा। अगर इसको हम नहीं ठीक करते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा। तो ये सोच के इसका टाइटल रखा और इस पर शुरुआत की, और धीरे धीरे चीज़ें पनपती गई, बढ़ती गई, और इस तरह हमारी फिल्म जो है तैयार हुई। प्रोमो देख के लग रहा है जैसे कि लड़की अगर ना हो, औरतें ना हो, वो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन वही बात है कि प्रोमो देख के लग रहा है कि जिस तरह से आजकल लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, अगर यही कंडीशन रही तो आज से 100-200 साल के बाद आने वाले कल में लड़कियां नहीं बचेंगी। और ये हमारे ख्याल से एक ऐसी फिल्म है कि इसमें रिजल्ट दिखाया गया है, परिणाम दिखाया गया है, अगर लड़कियां नहीं बची तो क्या होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, बहुत पहले कुदरत जो है, जो जिसमें कहा है ट्रेलर में कहा है, कुदरत के नियम, नेचर के जो नियम है, अगर उनको हम फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आगे उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे बहुत पहले, करोड़ों साल पहले, डायनासोर जो बना था, कुदरत ने बनाया उसे, जब उसे लगा कि वो भारी हो गया है, धरती पे भारी हो गया है, उसको हटाना ज़रूरी है, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरत को या गॉड को ये लगने लगा है कि सबसे डायनासोर से भी ज़्यादा भारी इंसान हो गया है। आदमी इतना भारी हो गया है कि जब वो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर रहा है, जब वो दवाओं में मिलावट कर रहा है, जब आदमी आदमी को मार रहा है, तो हमारे ख्याल से हमारे जो हमारा जो फ्यूचर है वो ब्लैक ही है। और जो फिल्म का लुक है इंटरनेशनल, ब्लैक फ्यूचर, ब्लैक फ्यूचर में बता रहा हूँ ना कि फ्यूचर जो कंडीशंस आज हैं दुनिया की, अगर यही कंडीशंस रहीं तो हमारा फ्यूचर ब्लैक ही, अगर हम नहीं समझे तो फ्यूचर हमारा ब्लैक ही होगा। और इंटरनेशनल और जो इंडियन लुक के साथ बनाया गया फिल्म स्क्रीन पे लिखा, आपने क्या कहना चाहेंगे कि क्या संदेश देने की कोशिश की गई और कितना डिफिकल्ट था आपको स्क्रीन पे लिखना, क्योंकि ये एक आम फिल्म से काफ़ी हटकर नजर आ रही है। देखिए, स्क्रीन प्ले ऐसी चीज़ है कि हम पहले से देख लें कि हमें पर्दे पर दिखाना क्या है, तो वो सोचते हुए कि हमारा क्या, किस तरह से स्क्रीन प्ले तैयार किया जाए कि हमारा जो मैसेज है वो इंडियन रहे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो वेस्टर्न हो, इस तरह का हो कि वो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह पे जो है उसको अप्रिशिएट किया जाए, ये कोशिश में करते हैं। और एक ख़ास बात और भी है कि अगर आप ध्यान देंगे तो इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है, इसके गाने जो है क्लिक होंगे, और एक अच्छा इंटरटेनमेंट जो है मैसेज के साथ, ये हमारी कोशिश रही है। सर, मेरा नाम विंसेंट लॉरेंस है, मैंने एक शराबी एकदम डेस्परेट आदमी का मैंने रोल किया है, क्योंकि ये जो स्टोरी है, गुड एंड बैड, ईविल एंड गुड, ईविल सोचता मैं बनाऊंगा और गुड वहाँ पर प्रार्थना करके अच्छा ही मांग रहा है, लड़की मांग रहा है, लड़की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताया है इसमें, तो ये चीज़ पूरे दुनिया के लिए मैसेज है, ये आगे के लिए मेरे हिसाब से यही ब्लैक फ्यूचर को वाइट फ्यूचर लाने के लिए, वो जो महात्मा है उस फिल्म में वो प्रार्थना करता है, और परमेश्वर, आप पिक्चर देखिए तो पता चल जाएगा। It will get a tax free तो होना चाहिए इसको। News, automatically we'll be approached and we are ready for that. We are open for that. Yeah. And the film is in multiple languages. क्या बढ़ते हैं कितना फायदा होगा? Multiple language film है तो ज़्यादा viewership मिलेगी। इसकी कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है कि और भी languages में जाए, जितना ज़्यादा लोगों का message जाएगा, उतनी अच्छी बात रहेगी। कोई भी कोई एग्जांपल है, म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे, अब आप ये देखिए म्यूजिक डायरेक्टर्स, जो भी जोड़ियाँ टूटी हैं, जो नहीं रहे हैं, तो अकेला जो है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन आपस में मिला तो एक और एक 11 हो जाते हैं, एक एक दो नहीं होते हैं, तो अगर आप एक और एक 11 होते तो एक और एक एक 3 बार मिलके 111 भी हो सकते हैं। We are trying to go to the maximum level, you know. Multiplex or singles? Multiplex and singles. Yeah. Okay.
एज ए एक्टर करके मैंने काम किया है। सत्ता में हमारा शूटिंग हो गया, पूरा नाइट शिफ्ट चलता था सर, लुक सेंटर सर। तो वहाँ पे शूटिंग एज ए एक्टर करके मैं ज्वाइन हो गया ये पिक्चर के अंदर। तो किस तरह का किरदार है और क्या कहते हैं उस किरदार को लेकर? यहाँ जो विलन का किरदार है जो ध्रुवीर साहब ने किया है, उनका एक राइट हैंड जो सोल्जर रहता है उसका पार्ट मैंने निभाया है वो पिक्चर। क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी तो पिक्चर के बारे में डायरेक्टर ने सब बता दिया और उन्होंने बताया आगे का ही। मैं बोला पूरा पिक्चर के बारे में डायरेक्टर ने तो बता दिया और एक्टर ने बता दिया, मैं तो को प्रोड्यूसर हूँ, बैनर है रिलीजिंग के लिए। तो आगे अब ये नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रहा है तो गिलानी ने रिलीज़ कर रहे हैं, बस इतना ही। और पिक्चर तो आपने देखा, ट्रेलर देखा, किससे डर किससे रहे हो? नहीं नहीं ना प्रोड्यूसर हो सर आप तो चिल्ला। बहुत अच्छा है और नेक्स्ट मंथ रिलीज़ है और आप देखिए कि इसका रिस्पांस भी अच्छा आएगा। कब तक रिलीज कर रहे हैं ये? नेक्स्ट मंथ होगा। तो इस फिल्म के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की गई, क्या दिखाना चाहते हैं आप दर्शकों को? देखिए एक मैसेज है, आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से मतलब कोई आ रहा है, मतलब अभी जो ये थोड़ा लीक से हट के है तो उस हिसाब से चाहते हैं कुछ अच्छा मैसेज आए, ऐसा कुछ बनाया गया। तो सारी यूनिट बॉलीवुड से प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और टच इसका हॉलीवुड का, क्या कहना चाहेंगे ये कॉम्बिनेशन क्या है? नहीं कुछ कुछ कहानी ऐसा होता है कि आपको हॉलीवुड को भी लेना पड़ता है, बॉलीवुड को कभी कभी ऐसा है कि कुछ रीजनल आर्टिस्ट भी लेके आपको हॉलीवुड बॉलीवुड बनाना पड़ता है, तो उस हिसाब से स्टोरी के हिसाब से वैसा बनाया गया है। तो इस फिल्म की सफलता के लिए कितना ज़्यादा आश्वस्त? बहुत बहुत आश्वस्त हूँ और पिक्चर बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि लीक से हट के है और पिक्चर अच्छी बनी है और सारे दर्शक लोग को पसंद भी आएंगे। सर आपसे हमसे होगा पर्ची दीजिए, बताइए कैसे जुड़े? मैं एज ए ई पी वीरेंद्र कुमार मोहन नाम है, मैं एज ए ई पी इसमें फिल्म बड़ी कठिनाइयों से हम लोग बनाया, सतना डिस्ट्रिक्ट में जाकर शूट किया और डे नाइट शूट करते थे हम लोग, जंगलों में शूट करते थे जहाँ पे डकैतों का आतंक था, दो तीन बार तो हम लोग को डकैतों ने पकड़ लिया और गिरफ्तार भी किया, सारी यूनिट निकल गई थी, मैं ही था पहले और बड़ी परेशानियों से पिक्चर बनी। लड़कियाँ ना हो तो क्या होगा, ये कुछ दिखाया? ये भ्रूण हत्या जो हो रही है अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू चलता जाएगा तो कल विश्व में ऐसा हो जाएगा कि औरत लड़के नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। ये पिक्चर के माध्यम से हमारे डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने जो भी बताया है ये यही बताया है कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए और जो महात्मा बताया है वो महात्मा इसकी हत्या करता है, जो विलन है हमारे उसकी। तो ये जो है फ्यूचर ब्लैक फ्यूचर है लेकिन ये वाइट फ्यूचर के बारे में सोचता है ये एक पिक्चर के माध्यम से। तो क्या जवाब देंगे सर? सर आजकल इस टाइप की फिल्में आती नहीं है इसीलिए इस टाइप की फिल्में मुझे रिलीज करना और प्रोड्यूस करना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी क्या आपको उम्मीद है कि दर्शक कितना ज़्यादा इस फिल्म को पसंद करेंगे और क्यों करेंगे अगर करेंगे तो? देखो मैंने इस फिल्म को वैसे भी रिलीज़ करने के लिए तो मैंने ए क्लास सेंटर के लिए सोचा ही नहीं है, बी और सी क्लास सेंटर के लिए सोचा है, तो उस हिसाब से फिल्म अच्छी जाएगी। और काफ़ी लैंग्वेज में इसको आप रिलीज करने वाले हैं हिंदी के अलावा? नहीं ब्लैक फ्यूचर तो अभी हिंदी में ही रिलीज़ करने वाले हैं। हाँ अगर हिंदी में अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम फिर उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब भी कर सकते हैं। विषय काफ़ी गंभीर है, मतलब अगर औरतें ना हो तो क्या होगा, ये विषय क्या है? जी देखो सर इसी वजह से ही ये फिल्म लेने का भी रीज़न ये है क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट होने की वजह से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि कॉमन फिल्में तो डेली आते रहती हैं और हम लोग रिलीज़ करते रहते हैं और रिस्पांस कुछ नहीं मिलता ना, ऑडियंस देखती है, फिल्में फ्लॉप होती हैं और प्रोड्यूसर लॉस में जाते हैं। तो दर्शकों तक हम इस टाइप की कुछ अलग कहानियाँ हम पेश करें ताकि ऑडियंस को पसंद आए, ऑडियंस देखे फिल्में। सर वैसे तो प्लान ऑल इंडिया का है लेकिन पहले फर्स्ट हमारा है कि मेन बॉम्बे हमको टारगेट है, बॉम्बे और प्लस हमारा दिल्ली यूपी बिहार झारखंड ईस्ट पंजाब है, हमारा सीपीसीआई राजस्थान है, ये पहले हम लोग टारगेट करेंगे सर। बाकी वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, जैसे आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, इसे हम बाद में टारगेट करेंगे अभी नहीं।
स्टार कास्ट की बात करें, कौन से स्टार कास्ट हैं, क्या अनुभव है उनका, उनके बारे में बताइए। देखो सर, सब इसमें थिएटर आर्टिस्ट है एक्चुअल में, और मैं सोचता हूँ कि थिएटर आर्टिस्ट को भी चांस मिलना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक वो थिएटर तक होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब बॉलीवुड में एंट्री हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाती है। आपसे अंतिम सर, आप बताइए, प्रचलित जो सर, मैं तो बराज जी की एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है सतरंगी, उसके साथ जुड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक मेरी मूवी आ रही है ब्लैक फ्यूचर, तो मैं इनकी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है ट्रेलर से, सो आई विश देम। और हमारे टीम के मेंबर ही है, क्योंकि मैं सतरंगी में मैं भी को प्रोड्यूसर हूँ उसमें, तो हमारी एक ही टीम है, एक ही टीम से है, रोडीज विनर हैं, बिग बॉस में भी जा रहे हैं, क्या बात। और हमारे पिक्चर के प्रमोशन के लिए और जो सतरंगी फिल्म बना रहे हैं उसके मेन लीड हीरो हैं, हो रहे हैं, काफ़ी सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं और सिर्फ मल्टीप्लेक्स ही काम कर रहा है, और मल्टीप्लेक्स भी सब कॉरपोरेट लेवल पे है, तो जो बड़ी फिल्में उन्हीं को चांस मिलता है, छोटी फिल्मों को तो चांस मिलता ही नहीं रिलीज़ होने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे प्रोड्यूसर्स को वो फिल्में वहाँ तक थिएटर्स तक जाएँ, एटलीस्ट वो कुछ अर्न करेंगे तो ही तो आगे उनको बेनिफिट्स होंगे। प्रोड्यूसर के तौर पर कितनी बड़ी कमी समझते हैं आप इस फिल्म को, आपने को प्रोड्यूस किया है और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? इसको को प्रोड्यूस करने का मेरा इरादा ये है, क्योंकि जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है तीन लोग हैं, तीन पार्टनर्स हैं, ताकि उनको इस फिल्म में लॉस ना हो, ताकि वो आगे भी फिल्में बनाएं, नहीं तो क्या होता है कि आजकल फिल्में लोग बनाते हैं वन टाइम, एक बार फिल्में बन जाती है उसके बाद में फिर इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं, क्योंकि फिल्में सक्सेस नहीं हो पाती, या तो फिर प्रॉपर रिलीज़ नहीं होती है, या तो फिर रिलीज़ होने के बाद में ऑडियंस को पसंद नहीं आती, कि या तो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है। ओके, थैंक यू सर।